हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फर्स्ट। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके आप टोटल 4 पार्ट देख चुके हैं और आज है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूँ, आपको समझा दूँ मैं कि इसमें हमने क्या क्या सीखा। इसमें आपको मीन्स बताए गए ट्रांसपोर्ट के, जिसमें था लैंड ट्रांसपोर्ट यानी ज़मीन पर चलने वाली गाड़ियाँ, जिसमें कार, स्कूटर, बस, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब था। फिर था एयर ट्रांसपोर्ट, जिसमें एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर के बारे में बात हुई थी। और फिर था वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसमें शिप एंड बोट के बारे में बात हुई थी। और इसकी एक्सरसाइज भी हम कर चुके थे। तो अब देखिए लास्ट एक्टिविटी, तो चलिए इस पर नज़र डालते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके लिए रेडी है। और यहाँ तक कि इसमें जो आंसर हैं वो आपको सुनने भी हैं और साथ साथ समझने भी हैं। और ये जो पेंसिल से मैंने फिल कर रखे हैं, आपको भी अपनी बुक में बिल्कुल ऐसे ही फिल करना है। इफ़ अरमान वॉन्ट्स टू गो टू लंदन फ्रॉम इंडिया, विच ट्रांसपोर्ट विल ही यूज़। अगर अरमान लंदन जाना चाहता है इंडिया से, तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा? तो सिंपल सी सीधी सी बात है, एयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो दूर जा रहा है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया है एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। डज एवरी व्हीकल रन फ्रॉम पेट्रोल और डीजल? क्या सारे व्हीकल पेट्रोल और डीजल पे ही चलते हैं? तो इसका आंसर है नो। कुछ ऐसे भी होते हैं व्हीकल्स जो गैस पे चलते हैं, जैसे CNG, LPG, ETC। ओके, तो फर्स्ट का आंसर है एयर ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड का आंसर है नो। अब है फन टाइम। राइट L फॉर लैंड एंड W फॉर वाटर एंड A फॉर एयर ट्रांसपोर्ट। यानी A फॉर एयर ट्रांसपोर्ट, L फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट एंड W फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। पर इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो बीच वाले हैं ये बॉक्स आपकी बुक में बने हुए नहीं आए हैं। यानी अगर ये नहीं होंगे तो आपकी एक्टिविटी अधूरी रह जाएगी। तो आप भी पेंसिल से मेरी तरह बिल्कुल ये बॉक्स बना दीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए ये देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रेन। तो ट्रेन ज़मीन पे चलती है या हवा में उड़ती है? ट्रेन ज़मीन पे चलती है तो L। उसके बाद देखिए बाईसाइकिल। बाईसाइकिल यानी साइकिल, वो कहाँ चलती है? ज़मीन पे, तो इसमें भी आएगा L यानी लैंड। फिर है हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर एयर, हवा में चलता है तो एयर। फिर है बस। बस कहाँ पे चलती है? ज़मीन पे, तो L। स्कूटर ज़मीन पे तो L। बोट पानी में चलती है तो वाटर, W। ऑटो रिक्शा ज़मीन पे तो लैंड। एरोप्लेन A, हवा में उड़ती है ना। और शिप वाटर में। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है, एक बार फिर से नज़र देखिए यहाँ पे ऊपर। इफ़ अरमान वॉन्ट्स टू गो टू लंदन फ्रॉम इंडिया, विच ट्रांसपोर्ट विल ही यूज़। अगर अरमान इंडिया से लंदन जाना चाहता है तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा? तो इसका आंसर हमने लिखा एयर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद डज एवरी व्हीकल रन फ्रॉम पेट्रोल और डीजल? क्या सारे व्हीकल पेट्रोल और डीजल से चलते हैं? तो मैंने लिखा है नो। और इसका रीज़न आपको बता दिया कि कुछ, जैसे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं यानी कि लाइट पे, कुछ होते हैं जो गैस पे भी चलते हैं। उसके बाद आपको एक्टिविटी करा दी, L फॉर लैंड, W फॉर वाटर एंड A फॉर एयर। अब बारी है आपके होमवर्क की। तो आपका होमवर्क आज बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही फैंटास्टिक है और इस चैप्टर का लास्ट भी है। और सबसे खास बात, आपको ये नोटबुक में नहीं करना है, ये आपको बुक में करना है। एक्टिविटी टाइम। इसमें क्वेश्चन नंबर A नहीं करना है, सॉरी 1 आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द नेम्स ऑफ व्हीकल्स इन द गिवन वर्ड सर्च। ये पजल आपको दिख रही है, इसमें आपको व्हीकल्स के नेम जितने भी मिलते हैं वो आपको सर्च करके रखने हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, तब आप इसे मैच कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।